भैया, हम यहाँ पे आए थे, हम यहाँ रुके, हमने अपना कूड़ा सब इकट्ठा करके वहाँ पे डाल दिया डस्टबिन में, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना कूड़ा है। लोग आते हैं, रुकते हैं और गंदा छोड़ देते हैं। अभी हम ये सारा कूड़ा उठाएंगे, इस एरिया को साफ करेंगे, जिससे कोई आगे आए तो उसको ये जगह साफ मिले। तो आप भी अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमारी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे अगर सफाई कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो करिए, या फिर अपना जो सामान है कम से कम उसको तो ऐसे मत फेंकिए। ये नेचुरल प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये प्लास्टिक है, ये आपको डस्टबिन में ही डालना चाहिए। बार दिखा दो यहाँ पे आप, ये जो पेड़ है इसमें कुछ ऐसे कांटे हैं जो बहुत तेजी से चुभते हैं। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो लोग अपना कचरा फेंक के चले जाते हैं। देखेंगे कांटा लग गया। फोटो लो अपने फोन से, जो आगे का वहाँ पे जो गंदगी फैली है उसका। क्या हुआ? बहुत ही तेज कांटा है इस पेड़ में, ऐसा लगता है एकदम से पेड़ खाता है क्या? सच्ची भाई साहब, ये तो बहुत जहरीला पेड़ है, ऐसा लग रहा है मैंने पत्तियां खा गया। ये पेड़ दिखाऊं? ये इस पेड़ पे हाथ लगाती है मेरा ऐसा लगा जैसे मधुमक्खी खा गई हो, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। कांटा है देखो तो। नहीं यार, मेरे ऐसा लग रहा है जैसे मिर्च लग गई। पानी देना थोड़ा है, और डेंजरस कांटा है भाई साहब, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे तो तैयार ग्रुप खा लिया हो पूरा। उसको धो सकते हैं क्या? चलो देखते हैं सर, इससे बच के रहना। ये देखिए, ये क्या है? ये एंटीक्विटी एल्कोहल। ओ, मेरे को लगा कि कुछ दूसरे चीज का डब्बा है, थोड़ा डिजाइन था। तभी तो अच्छा लगेगा भाई, उतना नीचे मत जाना, नीचे खाई है पूरा डेंजरस खाई। वो हाथ में बहुत तेज लगाया, वो कोई जहरीला पेड़ है। ये हम खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, कोई भी काम अगर हम करते हैं उससे हमको खुशी मिलती है तो अच्छा लगता है, और अगर कोई इंस्पिरेशन भी लेता है तो भी अच्छा। ये भी है ना उसी का अल्कोहल भाई, ठीक से आओ पहले इसको डाल के नीचे खाई है।
बता दो कितना है। पूरा भरा हुआ है, कूड़ा 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 आ तो जाएगा ना, इसमें भर गया ये डस्टबिन। चूस दो, मतलब एक बार में ही आ गया इतना कि डब्बा भर गया। यहाँ तो भी वही वाला है, यहाँ भी बोतल बोतल है भरा हुआ। वो कांच का दो तीन ब्रीजर, ये भी होता है दारू, ये लड़कियों का होता है। मतलब 6-7% अल्कोहल। यहाँ पे आके लोग पी के भाग जाते हैं। गया डस्ट, ये यहाँ डाल देना। अभी उड़ेगा यार, हवा चले जाएगी। हम वो जगह साफ कर रहे हैं। नहीं, लोग इतने आते हैं, आप कब तक? बहुत आते हैं हम रोज। हाँ, आप कितना साफ करो? और सब फेंक फेंक के चले जाते होंगे। ऐसे बहुत जगह साफ करनी पड़ेगी, हमें ग्लव्स लेने पड़ेंगे। और एक कट्टा, और एक कट्टा 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 से हो तो तुम्हारा मीनिंग कुछ और ही जा रहा। हाँ, वही मेरे को लगा कि कट्टा हम लोग वायलेंस में जा रहे हैं। बोरी, ओ बोरा, चलो कट्टा ले रहे भाई। पेड़ बहुत खतरनाक, ऐसे जैसे मिर्च कटे हुए हैं मिर्च। हाँ, और वही पेड़ है इतना बड़ा बड़ा भी, उसी पेड़ का पूरा। कांटे ऐसे हैं छोटे छोटे दिखने में, पर वो चुप के जलता होगा। ओ भाई, ये कांटे में जह रहा है। उधर जाओ ना, उधर जाओ, जगह है। अगर पूरा भारत एक दिन 130 करोड़ लोग सफाई में लग जाए तो भारत कैसा हो जाएगा? पूरा क्लीन। थैंक यू सो मच भैया। अरे भैया, हम तो अपने अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। बस जो भी कुछ साफ हो पाए हम लोग से। बहुत अच्छा, हर हफ्ते करते हैं यहाँ पे ना।
हाँ उधर आपके साइड तो साफ है पहले से, इधर भी यहाँ तक पूरा, लेकिन अब फिर भी इतना इतना कचरा होता है कि भाई अंदर मत जाना, खाई है नीचे। हाँ साफ धूप से है। सब यहाँ पे छोड़ छोड़ के भाग जाता है ये सब। इसको एंजॉय कहते हैं क्या, गंदगी करने को लोग ना एंटली पीस में एक और रिक्वेस्ट है, अगर ये सब डालना है तो थोड़ा सड़क के पास ही डाल दो, जिससे कि साफ हो सके, कोई तो साफ कर देगा। उधर अगर खाई में डालोगे, उधर अगर खाई की तरफ डालोगे, पेड़ों के नीचे डालोगे, तो वहाँ कोई जा नहीं पाएगा लेने, और वो जंगल में अटक जाता है। पाँच दस मिनट में इतना कचरा हो गया कलेक्ट। ये आप देखिए, ये जो लोग यहाँ पे पार्टी करते हैं वो यहाँ डाल के चले जाते हैं। प्लीज़ अपना सामान पॉलीथीन में इकट्ठा करिए, अपनी गाड़ी में रखिए, जिससे कि देश साफ रहे। उनको बोल दो हम जा रहे हैं। थैंक यू। Thank you.